दूषित पानी और भोजन के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों ने शिमला में दस्तक देनी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पीलिया और डायरिया के काफी मरीज इन दिनों अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं चिकित्सक इस मौसम में एहतियात बरतने की भी बात कह रहे हैं। बरसात के शुरू होते ही पीलिया और डायरिया ने राजधानी शिमला में दस्तक दे दी है। IGMC और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पीलिया के 15 से 20 और डायरिया के करीब 10 मामले सामने आ चुके हैं। दोनों अस्पतालों में पिछले 3 दिनों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अस्पताल आने वाले रोगियों में जल जनित रोगियों और वायरल के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा हो रही है। अस्पताल में सामान्य से अधिक संख्या में डायरिया सहित हेपेटाइटिस ए और ई के रोगी आ रहे हैं। अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या की बात की जाए तो इनकी तादाद काफी ज्यादा हो गई है। जैसे जैसे बरसात बढ़ी है, डायरिया और पीलिया के मामले हमारे पास बढ़े हैं। डेफिनेटली पिछले 15 दिनों से हमारे पास केसेस आने शुरू हो गए हैं, और इसका मुख्य कारण रहता है जो हमारे पानी के सोर्सेस हैं, उसमें जब अचानक बारिश होती है तो आसपास का गंदा पानी, दूसरा पानी, मटमैला पानी और इन्फेक्टेड जो पानी है उसमें मिल जाता है। अगर उसको बिना ट्रीट किए हुए है हम नलकों से भरते हैं और उसको पी लेते हैं तो इस बीमारी का खतरा रहता है। हमारे पास हर साल इस तरह के केसेस आते हैं। हमारा अस्पताल इस तरह की बीमारियों को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोगों को इसमें जागरूक होना होगा। इस तरह के मामले इन दिनों शिमला के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं। यही नहीं, मुख्य रूप से डायरिया ही नहीं, वायरल गले की खराबी और पीलिया देखने को मिल रहा है। राजधानी में जिन क्षेत्रों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनमें कुसुमपट्टी, विकास नगर, BCS, संजौली और बालूगंज शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो बीते दिनों लगातार हो रही बारिश से पीने के पानी को लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने के कारण इसके होने की आशंका जताई जा रही है। काफी तादाद में लोग बावड़ी और प्राकृतिक पेयजल स्रोतों के पानी का इस्तेमाल करते हैं और बारिश के दौरान इनके दूषित होने की ज्यादा संभावना रहती है। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ रिंकू, 10 नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।